Hey you all, welcome back to my channel Varsha Vibes. So how are you all? I hope you all are fine. So this video is related to some of my products which I am currently using and I am obsessed with. यार मतलब इतने ज़्यादा अभी समर टाइम चल रहा है, समर टाइम में यार इतना ज़्यादा मन ही नहीं करता ना तो फेस पे कुछ लगाओ ना बॉडी पे हेयर्स में, मतलब कुछ मन नहीं करता करने का. और इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ हर मतलब फेस के लिए, हेयर्स के लिए, सब चीज़ों के लिए. बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम जितना मेरे से हो सकता है, ज़्यादा कुछ मतलब कर भी नहीं पाती हूँ और फिर मन भी नहीं करता है, ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह रहती है, सब कुछ रहता है. तो मैंने सोचा कि आई शुड बी शेयरिंग इट विद यू पीपल. सो दीज आर सम प्रोडक्ट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टे ट्यून्ड. सो फर्स्ट अप आई हैव इज my this body lotion. So this body lotion is from Aqualogica and this is my current favorite. This is like आप पूरी body पे इसको अच्छे से rub कर लो. थोड़ा mango मतलब इसकी जो fragrance है ना यार, थोड़ा mango वाला texture देती है. खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी. खुशबू से तो खैर मुझे अभी फ़िलहाल लेना देना है नहीं, but ये इस मौसम में आपको मतलब आपकी जो skin है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी रखता है. ग्रीसी इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है. मेरे को इसलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरा करंट फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ लाइक बॉडी लोशन और ये सब. मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे. नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए था और काफ़ी अच्छी रेटिंग थी इसकी. आई ऑर्डर इट फ्रॉम नायका. बहुत सारे लोशन देखे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट देन आई चूज दिस एंड इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस. येस, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स विच आई एम करेंटली यूजिंग इज लाइक ये है आपका पिलग्रिम्स का. ये पिलग्रिम्स का आपको मतलब नाइट क्रीम है बेसिकली, ये अंडर आई क्रीम है. तो हुआ क्या कि व्यान के होने के बाद थोड़े से डार्क सर्कल्स की शिकायत हो गई थी, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत स्टार्टिंग स्टेज थी और थोड़ा बहुत ही मेरे को होना शुरू हुआ ही था. तो मैंने बिल्कुल मतलब बिल्कुल लेट नहीं किया और देख करके अच्छी सी रेटिंग वाला एक प्रोडक्ट ऑर्डर अपने लिए कर लिया था. और अब मतलब इट्स बीन वन मंथ आई एम यूजिंग दिस मतलब नाइट क्रीम. इसके रिजल्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि या तो ये कह लो कि स्टार्टिंग थी मेरे डार्क सर्कल्स की या कुछ भी कह लो यार, इसने मतलब थोड़ा तो रिड्यूस करा है. तो ये पिलग्रिम्स की है. पिलग्रिम मैं पूरा बता देती हूँ आपको. पिलग्रिम्स की है रेटिनॉल नाइट क्रीम. यस, तो ये आप ऑर्डर कर सकते हैं कहाँ से, नायका वगैरह से, सब पे अवेलेबल है. एंड दिस कंटेन्स विटामिन सी एंड हाइलोरोनिक एसिड, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब लगा कि इसने मेरे को फ़ायदा करा है. तो मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ. किसी के भी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो प्लीज़ इसको ले लें. बहुत अच्छी मतलब मेरे को अच्छी लगी और इसकी रेटिंग नायका पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. इसके बाद मैंने इसको लिया है. मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा था, बट ऐसे ही मैं ऑर्डर कर दी थी कि यार कुछ तो लगाना चाहिए. तो दिस इज़ माई सेकेंड फेवरेट. थर्ड फेवरेट इज़ इस मौसम में क्या नहीं हो सकता. इस मौसम में तो क्या क्या, आई यूज़ सनस्क्रीन मतलब ऑल ओवर द टाइम. विंटर्स और समर्स और मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, तो थर्ड फेवरेट. बट इस बार मैंने सोचा कि मैं चेंज करती हूँ अपनी सनस्क्रीन को, जो भी मैं यूज़ कर रही थी पहले वाली. उसके बाद मैंने ये खरीदी न्यूट्रोजेना की. दिस इज़ लाइक, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला नायका से. किसी ने मुझे बताया नहीं था, किसी ने कुछ नहीं करा था कि आप ये लो या कुछ भी, मतलब कोई वीडियो भी नहीं देखी थी. बस ये था कि प्रोडक्ट चेंज करना है तो कोई तो फिर लेना है. तो इसलिए मैंने ये न्यूट्रोजीना की परचेज की थी. ये मुझे 200 कुछ की पड़ी थी एंड इसके भी रिजल्ट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे. इसको भी एक दो महीना तो हो ही गया होगा यार यूज़ करते हुए, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है. बहुत ही लाइट वेट की सनस्क्रीन है, मतलब काफ़ी मतलब फील ही नहीं होता कुछ फेस पे लगाओ तो, इतना ज़्यादा लाइट वेट थी. तो ये 30 ml कुछ की थी, मेरे को 200 रुपीज़ की पड़ी थी. यस, सो यू कैन ऑल्सो बाय इट अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो. यस, तो दिस इज थर्ड फेवरेट. फोर्थ फेवरेट इज़ यार मतलब ये कोई मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, इसको यूज़ करते करते मेरे को हो गया है शायद 1 साल 2 साल 3 साल, आई डोंट रिमेम्बर. तो ये है मेरा फोर्थ फेवरेट. दिस इज़ माई करंट तो नहीं बोलूँगी, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड अजमल. येस, तो ये मैंने सीपी से ख़रीदा था, दिल्ली में सीपी से ख़रीदा था. ये है अजमल का सेक्रेट लव. तो ये परफ्यूम मुझे इतना ज़्यादा पसंद है यार कि मतलब आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. तो आप करंटली से भी मैं बोलूँगी कि 1-2 साल हो चुके हैं इसको लगाते लगाते और अभी तक बोर नहीं हुई हूँ. उसकी जो स्मेल है मज़ा आ जाता है यार इसे लगा करके, इतनी ज़्यादा इसकी स्मेल है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट एंड स्वीट. तो मैं आप लोगों को इसको हाईली रिकमेंड करूँगी.
बहुत ज़्यादा कि मतलब अगर आप लोग परफ्यूम लवर हो या आपको मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल गुड, अगर आप चाहते हो तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, आप इसको प्लीज़ जाके ले लो, बहुत ही अच्छा। मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगी। पहले मैं इसका डियो लगाती थी, बट देन आई शिफ्टेड टू द परफ्यूम बिकॉज डियो बहुत ज़्यादा लगता था एंड परफ्यूम इज़ लाइक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसलिए कहीं थोड़ा सा लगाओ। और ये मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये मेरा फोर्थ फेवरेट है। फिफ्थ इज़ लाइक दिस दिस छोटू मोटू सा टाइनी पैक। ये तो यार इस मौसम में ना, इसमें तो मतलब इसने ऐसा कर दिया है, ये मैंने जस्ट मेरे ऑर्डर में मतलब डिलीवरी ना लगे, डिलीवरी चार्जेस कुछ ऐसे ना लगे, इसलिए मैंने ये ख़रीदा था। और ये इसको भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, 1-2 महीना हो गया होगा। अभी तो मेरा फेवरेट हो चुका है क्योंकि इसमें ये इनसाइड का ब्लश है, यू कैन सी छोटू सा ये इनसाइड का ब्लश है इन द शेड वाटरमेलन पॉप्सिकल। तो ये मैंने ऐसे ऑर्डर कर दिया था कि यार डिलीवरी नहीं लगनी चाहिए, एंड दिस जस्ट कॉस्टेड मी ₹80। तो ये मैंने ऐसे ही ऑर्डर करा और फिर मैंने जब आ गया था तो सोचती हूँ लगा ही लूँ, लगाना शुरू करा, और ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि बस डेली इसको मैं घर में भी लगा लेती हूँ। अभी भी शायद लगा रखा होगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और बहुत ही छोटी सी मतलब लाइक बहुत ही कम क्वांटिटी आपको इसको लेनी है, लाइक इतनी सी बस, ये ही खाली डे के लिए बहुत है। और इतना ज़्यादा इस ये मेरे को पसंद है, आप इसको डे टाइम में, ऑफिस टाइम में, मतलब बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट आप यूज़ करके आप इसको लगा सकते हैं। और मतलब डे टाइम में तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से वेयर कर सकते हैं ऑफिस में, या फिर नाइट टाइम में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी, थोड़ी ही ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड मैं इसको बोलूँगी, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लगा। एंड दिस जस्ट कॉस्टेड मी ₹80 यार, मतलब ₹80 क्या होते हैं, ₹80 की डिलीवरी लग रही थी कि मतलब इतना ऐड करो तो नहीं लगेगी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐड कर लेती हूँ। तो मेरे को नीचे सजेशंस में ही आ रहा था एंड इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया, बस ऐसे कुछ नहीं देखा, बस इसको ऑर्डर कर दिया। और ये बहुत अच्छा निकला यार, ट्रस्ट मी, मतलब सुपर डुपर ब्लश है, मतलब मैं तो इसको ब्लश भी लगा लेती हूँ एंड देन थोड़ा सा लेकर के एंड लिप्स पे एज अ लिप बाम और लिप ग्लॉस, वट एवर यू से, तो मैं इसको वैसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो दिस इज़ माई नेक्स्ट फेवरेट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस सीरम। तो यार ये मेरे को प्रोडक्ट रिसीव हुआ था 3 चीज़ों का, विच इज़ लाइक हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू एंड हेयर सीरम। तो ये वेदिक्स का है, इस सीरम ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ये वेदिक्स का हेयर सीरम है और वेदिक्स की वेबसाइट से ही मैंने ऑर्डर कर लिया था। इसने लाइक व्यान के होने के बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को हेयर फॉल था, तो ये लगता था कि कुछ ना कुछ ऐड करती रहूँ, लगाती रहूँ सर में कुछ ना कुछ, बट किसी से भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी ये इस प्रोडक्ट को मैं शायद 7 या 8 महीनों से यूज़ कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जिसको भी मतलब मेरे को लगता है हेयर फॉल है, आप प्लीज़ इसको ट्राई करें। ये कुछ आपके कपा विता ऐसे करके कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, पहले ये कॉन्फिगर करता है अपनी वेबसाइट पे ही, कि मतलब आपसे पूछ के एक सर्वे करके और उसके बाद आपको ऐसा कुछ सजेस्ट करता है। तो मेरे से भी क्या था और मेरे को ये सजेस्ट किया एंड ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग है। बेबी हेयर्स मैंने अपने अपने हेयर्स में नोट करे, अपने सर पे मतलब इतने ज़्यादा छोटे छोटे से हेयर्स मेरे को दिखे इसको यूज़ करने के बाद। ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हेयर थिक हो गए, बट येस हेयर फॉल भी कुछ हद तक रुका है, लेकिन न्यू हेयर्स बहुत ज़्यादा मैंने इसको यूज़ करने के बाद देखे। चाहो तो खाली एक ये सीरम भी ऑर्डर कर सकते हो वेदिक्स की वेबसाइट से एंड पूरा कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हो, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो यार ये थे मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैं जिनसे करेंटली ऑब्सेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को अगर इनमें से कुछ अच्छा लगे गो चेक इट आउट ऑन नायका, और अगर कुछ अच्छा लगे रिव्यूज़ देखो, सब देखो, मेरी वीडियोज़ भी देख लेना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ऑर्डर देम। एंड मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा देगा। सो यस, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यस एंड सब्सक्राइब कर देना यार, कमेंट प्लीज़ कमेंट करना कि अगर पहले से यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों के क्या रिजल्ट्स रहे हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।